गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो ले रहे हैं वो है सफिक्स एंड प्रीफिक्स इंग्लिश ग्रामर में कैसे यूज़ किए जाते हैं और इनके यूज़ क्या है। ये सब हम इस चैप्टर के मीडियम के थ्रू हम लोग देखेंगे। चैप्टर 8 है जो क्लास 7 का है, द बॉय विद द कैटापल्ट। तो ये स्टोरी हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आज इसके थ्रू हम लोग सफिक्स एंड प्रीफिक्स बनाना सीखेंगे। तो बेसिकली सफिक्स होते क्या है? सफिक्स कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन के आगे में लगा के उसको एडजेक्टिव बनाते हैं। जैसे वी ऐड ए लेटर और ए ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड सफिक्स एट द एंड ऑफ ए वर्ड टू फॉर्म अनदर वर्ड। तो सफिक्स जो होता है वर्ड के बाद में यूज़ होता है, मैंने शायद आगे बोल दिया था। और प्रीफिक्स जो होता है वर्ड से पहले यूज़ होता है। सम सफिक्स कैन बी एडेड टू नाउन टू फॉर्म एडजेक्टिव्स। तो एक वर्ड से दूसरा वर्ड कैसे बनाया जाता है, इसके दो तरीके हैं। जैसे सफिक्स मतलब एक वर्ड के बाद कुछ आप ऐड कर दीजिए छोटा सा वर्ड, तो वो सफिक्स कहलाएगा वो वर्ड को और नया वर्ड बन जाएगा। ऐसे ही प्रीफिक्स भी एक वर्ड के आगे या नाउन के आगे अगर आप कुछ ऐड करने से कुछ मीनिंगफुल वर्ड बनता है तो वो प्रीफिक्स के थ्रू बनता है। तो पहले जैसे सफिक्स के एग्जांपल दिए हैं, जैसे वंडर के बाद आपने अगर फुल लगाया है तो वंडरफुल बना। तो फुल यहाँ पे जो है एफ यू एल फुल जो है यहाँ सफिक्स है। ऐसे ही रेस्ट के बाद लेस, रेस्टलेस। रिमार्क के बाद एबल, रिमार्केबल। मैजिक के बाद एल, मैजिकल। तो बेसिकली सफिक्स ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स होते हैं जिनका इंडिविजुअली मे भी कुछ मीनिंग नहीं होता है, बट जो किसी वर्ड के बाद में यूज ऐड हो जाते हैं तो पूरे वर्ड का एक मीनिंग आता है। अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ऐड ए सफिक्स फ्रॉम लिस्ट ऑफ द रूट वर्ड गिवन इन द पैरेंथेसिस एंड कंप्लीट दिस सेंटेंस। तो पहला क्वेश्चन है, प्लास्टिक इज डैश हार्म टू द अर्थ। अब जैसे हार्म एक वर्ड है, नुकसान करते हैं, तो हार्मफुल नुकसानदायक, हार्मफुल ऐसे बन सकता है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 2 है, हिज बिहेवियर वॉज शेमफुल, शर्मिंदा से भरा हुआ था, जो शर्म से भरा हुआ था। जनगण मना इज दी डैश नेशन एंथम ऑफ इंडिया, तो नेशन से बना नेशनल, ए एल लगा दीजिए तो नेशनल बना। ऐसी क्वेश्चन नंबर 5 में है, इंजॉय के बाद एबल लगा दीजिए, इंजॉयबल बनेगा। कलर के साथ कलरफुल लगाइए। नंबर 6 में फुल लगाया तो कलरफुल बना है। और क्वेश्चन नंबर 7 में, द एस्ट्रोनॉट वॉज ब्रेव एंड फियरलेस, तो फियरफुल भी बन सकता है एंड फियरलेस भी बनता है। बट एस्ट्रोनॉट बेसिकली एक फियरलेस पर्सन होते हैं, उनको कोई फियर नहीं रहता है, तो इसलिए फियरलेस में यहाँ पे ऐड करने से नया वर्ड बना है फियरलेस, एलेस ऐड करने से। क्वेश्चन नंबर 8, आफ्टर लिविंग द सिटी फॉर सो मेनी ईयर्स वी फाउंड द विलेज काम एंड पीसफुल, तो पीस के बाद आपने अगर फुल ऐड किया तो पीसफुल। तो इस तरह से आपने देखा कि सफिक्स जो है वर्ड के पीछे में ऐड होते हैं और एक वर्ड को नया मीनिंग देते हैं। ऐसे ही प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स इज लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू मेक ए न्यू वर्ड, तो ये भी वर्ड के आगे लगा देते हैं ग्रुप ऑफ लेटर्स को, तो ये एक प्रीफिक्स कहलाते हैं और एक नया मीनिंगफुल वर्ड बन जाता है। द वर्ड प्री ऑक्यूपेशन इज फॉर्म बाई एडिंग द वर्ड प्री टू द वर्ड ऑक्यूपेशन। Add the right prefix from the box to the words given below to make new words. A prefix can be used more than once and some word may take more than one prefix. जैसे हमने देखा fear के बाद fearless, fearful, तो ऐसे जैसे suffix के दो एक word दो या तीन suffix ले सकता है, ऐसे ही एक word दो या तीन prefix भी ले सकता है। जैसे graceful, graceful अपने आप में एक full को इसने use किया हुआ है, grace के बाद full को एक सफिक्स यूज़ किया, इसमें आप एक प्रीफिक्स भी यूज़ कर सकते हैं डिसग्रेसफुल। ऐसे मैच्योर, इमैच्योर, आई एम लगाया तो इमैच्योर। श्योर, श्योर मतलब किनारा, अश्योर इससे बना एक वर्ड अश्योर ए लगाने से। हिस्टोरिक, प्री हिस्टोरिक। ऐसे मिस, डिसमिस, डिस लगा दीजिए डिसमिस बन जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रीफिक्स लगाने से सम वर्ड्स का मीनिंग टोटली चेंज भी हो जा रहा है, अपोजिट बन जा रहे हैं। हेड, बी हेड, हेड मतलब सर, बी हेड मतलब उसका सर काट दिया है, बी हेड। बोर्ड, अबोर्ड, किसी चीज़ के ऊपर, बोर्ड अबोर्ड।
प्रिंट मिस प्रिंट जैसे उसको बोलते हैं कि मिस प्रिंट हो गया, मिस प्रिंट, ओबीडियंट डिसओबीडियंट, आपका आज्ञाकारी है बट डिसओबीडियंट जो आज्ञा नहीं मानने वाला है। ऐसे ही रेडी, रेडी के सबसे पहले आप एल लगा दीजिए, ए एल ऑलरेडी। तो इस तरह से आपने देखा कैसे प्रीफिक्स बनाए जाते हैं, बहुत ही सिंपल वे में प्रीफिक्स बनाया जा सकता है, सफिक्स भी बहुत ही सिंपल है। तो होप आई होप आप लोग इससे कुछ सीखे होंगे, एंड इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन राइट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।